नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सियासी गलियारों में दो पेशियों को लेकर आज खासी चर्चा है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को भिवंडी सिटी पुलिस ने पेश होने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खास बात है कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। तो आपको बताते चले कि ईडी के सवालों से पहले कांग्रेस का पोस्टर भी इस दौरान देखने को मिला, जहां पे लिखा हुआ था कि ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। वहीं आज ईडी के सवालों से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आज एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। तो अभी आपने सुना किस तरह रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के पक्ष में बोलते हुए नजर आए। वहीं पेश होने के पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे और हम झुकेंगे नहीं। लखीमपुर खीरी के नीमगांव भैजम में सड़क पर फैले अतिक्रमण को लेकर जिले की नई एसडीएम मितौली विनीत कुमार उपाध्याय ने थाना समाधान दिवस के मौके पर थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार को निर्देशित किया कि 72 घंटे के अंदर नीमगांव और भैजम में फुटपाथ पर कब्जा किए हुए व्यापारियों और अन्य स्थायी निर्माण को हटाया जाए, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए नीमगांव थाना अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद गंगवार ने 72 घंटों में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर 72 घंटे के भीतर लोग अवैध अतिक्रमण पर अपना कब्जा नहीं हटाते हैं तो 72 घंटे के बाद उन सभी अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। तो आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरे में किस तरह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पुलिस प्रशासन जो है वो लोगों को अलर्ट करती हुई नजर आ रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर 72 घंटे के अंदर अवैध अतिक्रमण पर लोगों ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा तो उसके बाद 72 घंटों के बाद ही प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। कोरोना काल में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जिनमें से बड़ी संख्या में कैदी दोबारा गाजियाबाद जेल नहीं पहुंचे, जिनमें यूपी के कई जिलों के साथ अन्य राज्यों के भी कैदी शामिल हैं। अब डासना जेल प्रशासन पैरोल पर नहीं लौटने वाले कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के प्रयास में जुटा है। वही इस पूरे मामले पर डासना जेल अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था ताकि जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। कुछ बंदियों को अंतरिम बेल पर और कुछ कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था। डासना जेल से कुल 123 सिद्ध दोषी बंदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था जो 7 साल तक की सजा वाले थे, जबकि डासना जेल प्रशासन के मुताबिक कुल 12 महिलाओं को भी कोरोना काल में जमानत पर छोड़ा गया था, जिनमें से 2 महिलाओं ने अभी तक जेल में सरेंडर नहीं किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए डासना जेल प्रशासन दोबारा लगातार प्रयास कर रहा है। कोविड जब कोरोना काल चल रहा था तो जेलों की जनसंख्या कम करने के लिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, कुछ लोगों को इंटरिम बेल पे छोड़ा गया था और कुछ जो सिद्धोस बंदी थे उनको पैरोल पे छोड़ा गया था। तो जिला कारागार गाजियाबाद से कुल 123 सिद्धोस बंदियों को पैरोल पे छोड़ा गया था जो 7 वर्ष की सजा वाले थे, और इसमें से लगभग 18 लोग अभी तक जिनको फिर सरेंडर करना था।
खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां कोरोना काल के दौरान जिन कैदियों को पैरोल पर जेल से बाहर छोड़ा गया था वो अब सरेंडर नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान कुल 123 कैदियों को जेल से बाहर पैरोल पर छोड़ा गया था ताकि कोरोना काल में जेलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, लेकिन अब तक 18 बंदियों ने दोबारा जेल में सरेंडर नहीं किया है, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रहा है। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मोदी योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जावेद पर की गई कार्रवाई को एएमयू के छात्रों ने बेबुनियाद बताते हुए एक जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रयागराज में जो भी दंगे के मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई उसके समर्थन में एएमयू के छात्र प्रदर्शन करते हुए और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता को बुलाया जाता है और उसको ये खुली छूट दी जाती है ये बात कहने की कि वो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करे, तो उसको ये हिमायत कहाँ से मिलती है? कौन है उसको जो उसको इतनी हिम्मत दे रहा है? तो सरासर ये जाहिर है कि ये जो है इसके पीछे गवर्नमेंट है, तो हम उस गुस्ताख शर्मा को हम जो है वो करेंगे, कंडेम करेंगे कि उसको गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये जैसे देश का माहौल पूरे सब लोगों के सामने है जिस तरह से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, एक निपुण शर्मा की वजह से जो एक बीजेपी की स्पोर्ट पर्सन थी उसे सस्पेंड कर दिया गया वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने खता की है उस खता से अभी तक उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली, कोई भी सजा नहीं मिली। सब पूरे हिंदुस्तान में एक ही डिमांड है, निपुण शर्मा को अरेस्ट किया जाए। कम्प्लीट हुआ है उसका, और वुमेन्स कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रही थी आफरीन फातिमा, उसके घर को डेमोलिश कर दिया गया है। मतलब आज के वक्त में हिंदुस्तान के अंदर न कोर्ट है, न कोई जज है, न कोई वकील है, सब गवर्नमेंट हो गई है, और हम इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम एहतजाज करने आए हैं कि आफरीन फातिमा के साथ बहुत गलत किया है, और हम लोग ये चाहते हैं कि उसके घर को जो बर्बाद किया है गवर्नमेंट उसको उसका जितना भी पैसा का घर था वो सब वापस करे। और दूसरी चीज मेरा सवाल ये है कि नुपुर शर्मा की प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर गोरखपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए पत्थरबाजों पर लगाम लगाने की कोशिश में एसपी सिटी किशन बिश्नोई और सीईओ विमल कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए बख्शीपुर के आसपास के घरों की निगरानी की है। खबर इस वक्त गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गोरखपुर में भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए लगातार ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर गोरखपुर भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कसते हुए लगातार संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी करती हुई नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में संवेदनशीलता को देखते हुए एवं कल जुम्मे की नमाज में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए आज जनपद में सभी घरों में संवेदनशील क्षेत्रों में मिश्रित आबादी क्षेत्रों में रूफ टॉप को चेक किया गया है, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटित हो जहां पे लोग अपने पत्थर ईंटा इकट्ठा करके रखें और बाद में दंगे के रूप में उसका प्रयोग कर सकें। इसी के मद्देनज़र ड्रोन को उड़ाया गया है एवं प्रत्येक शुक्रवार को या फिर किसी भी ऐसे अन्य ओकेजन पर जहां पे कोई धार्मिक जुलूस या कुछ निकल रहा हो तो हम प्रयास करेंगे कि ड्रोन के माध्यम से सभी रूफ टॉप्स को चेक किया। कौशाम्बी में कुछ दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां दबंगों ने गरीब महिला के मकान में जबरन ताला लगा दिया और पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो फिर दबंगों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद पीड़ित ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये रविदेव पांडे जी हैं जो जबरन क्या कहते हैं गुंडाई के बल पे जी और कट्टा दिखा करके मुझे, मैं आता हूँ जब अपने घर में तो कट्टा दिखा करके उन्होंने क्या कहते हैं मुझे ताला से धक्का देते हुए उन्होंने अपना ताला बंद कर दिया।
जबकि मैं इसमें रह रहा था, बकायदा इसमें दिया बाती गृह प्रवेश आदि सब कुछ कर लिया। तो क्या ये जमीन खरीदी थी या आपकी पैतृक संपत्ति थी? मैं मेरी जमीन नहीं थी, मैंने इनके बड़े भाई से राजदेव से खरीदा था। ये लोग तीन भाई हैं, राजदेव सबसे बड़ा नंबर का भाई है जी, और इंद्रदेव सबसे बीच वाले हैं और रविदेव सबसे छोटे वाले हैं। तो छोटे वाले भाई ने मेरे मकान में सुल्तानपुर चांदा कोतवाली क्षेत्र के ईशीपुर गांव में मुखबिर और सर्विलांस के जरिए पुलिस को जानकारी मिली कि इस गांव में अंडरब्रिज के पास कुछ शातिर बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही एक्शन मोड में एक्टिव हुई पुलिस ने घेराबंदी करते हुए सात बदमाशों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से अवैध असलहे, छह कारतूस समेत लूट के कई सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। के खिलाफ 15 से 20 मुकदमे हैं, इनका आपराधिक इतिहास आपके पास भेजा जा रहा है, साथ ही इनका गैंग पंजीकृत करने और रजिस्ट्री शीट खोलने की। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके के जंगलगढ़ी में दो सगे भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। इस दौरान अक्रम नाम के व्यक्ति का आरोप है कि उसने अपने सगे भाई से प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर कई बार शिकायत के बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन है और प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है। अक्रम का आरोप है कि उस प्रॉपर्टी में उसका स्क्रैप का काम है, जिसके चलते उसने अपनी लोहे की पत्तियां वहां पर रखी हुई थी जो अब वहीं पर पड़ी हुई है, लेकिन उसका भाई प्रॉपर्टी में से लोहे की पत्तियां उठाने तक उसको नहीं दे रहा है, जबकि अक्रम कई जगहों पर शिकायत भी कर चुका है लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। खबर इस वक्त अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां प्रॉपर्टी के बीच का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दो भाइयों के रिश्तों में दरार आ गई। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मेरा भाई जो है मुझे परेशान कर रहा है। मेरा प्लॉट है वहां पर और उसके भाई का भी बराबर, मेरे बच्चे काम करते हैं वहां पर, कारोबार करते हैं, मेरा माल जबरदस्ती उठाया जा रहा है। मैं से पुलिस के पास जाता हूँ तो पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। मैंने डीएम एसएसपी को भी सारी इतला दे दी, अभी तक मेरी सुनवाई नहीं है। और 112 पर भी मैं तीन चार रोज से बराबर कर रहा हूँ और धंगाई से मेरा माल को उठाया जा रहा है और मेरी कोई सुनवाई नहीं। जब मैं चौकी इंचार्ज के पास जाता हूँ तो चौकी इंचार्ज कह देता है कि तुम्हारे नाम की FIR कर दी है, तुम्हें बंद। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां एक भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा, वहीं प्रॉपर्टी का विवाद दोनों भाइयों के बीच इस हद तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के ही रिश्ते में दरार आ गई है। वहीं इस मामले को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है और प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर भी लिया जा चुका है। अक्रम का आरोप है कि उस प्रॉपर्टी में उसका स्क्रैप का काम है, जिसके चलते उसने लोहे की पत्तियां वहीं पड़ी हुई है, लेकिन उसका भाई प्रॉपर्टी में से उनको लोहे की पत्तियां उठाने तक नहीं दे रहा है, जबकि इस मामले को लेकर पीड़ित भाई अक्रम ने कई जगहों पर शिकायत भी की है लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, जिससे वो लगातार परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अक्रम ने यह भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द उनके शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके मामले पर कोई निस्तारण नहीं लिया गया, तो वो रोजी रोटी के भी मोहताज हो जाएंगे। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के नए फुट ओवरब्रिज के पास एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं मृतक के परिवार ने आशंका जताई है कि रेलवे स्टेशन के नए फुट ओवरब्रिज पर मौजूद अज्ञात लुटेरे और जेबकतरों ने एक युवक को फुट ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात है कि युवक की मौत के बाद जीआरपी थाने की पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और मामले में मुकदमा तक नहीं दर्ज किया। बता दें कि घटना के दौरान का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जो ओवरब्रिज के दूसरे सिरे का है, जिसमें युवक को नीचे फेंके जाने के बाद दो अज्ञात युवक भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। मेरा बेटा ये बाहर जाता था चमड़े के, मतलब एक बैग वगैरह आश्रम सट्रम बेचने का काम करता था ये। उस दिन भी ये घर से निकला, दो जोड़ी कपड़ा थे, एक बैग था और दो हज़ार ढाई हज़ार रुपये इसकी जेब में होंगे। तो कह रहा था मुझसे कि मैं नखलऊ जा रहा हूँ। जब 9:30 बजे घर से निकला है और उसके बाद में मुझे 11 बजे किसी ने सूचना दी कि तुम्हारा बेटा नीचे पड़ा हुआ।
गोंडा में कुछ दबंगों की दबंगई सामने आ रही है, जहां युवक की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। वही पीड़ितों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए पीड़ितों ने अब बड़े अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया है। हमारे पट्टे वाले भूमि पर लक्ष्मीनाथ तिवारी, जिनका पिता का नाम शिव शंकर है, वो पट्टे वाले भूमि पर कब्जा जबरन कर रहे हैं। आपकी पट्टे की जमीन है, तो आपने संबंधित थाने को सूचना दी? हम थाने पे सूचना दिया, बहुत जगह सूचना दिया, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। उस लोग कह रहे हैं कि अगर कहीं जाओगे तो तुमको मार करके वहाँ फेंक देंगे, कोई पता नहीं चलेगा। प्रधान और वो लक्ष्मीनारायण तिवारी दोनों जने खेदने को मारने को खेदते हैं और जान से मारने को धमकी देते हैं, मार डालेंगे गाली को। सिद्धार्थनगर में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से मरीज की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये इस लड़के का जो है कल पेड़ झड़ रहा था, सुबह भी वही हाल था, वो दवा लेने गया था चौराहे चौराहे पे। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के छोटे भाई थे, डॉक्टर थे नहीं, कुछ दवा दे करके जो है उनको ब्रेंच पे वहाँ चौकी पे जो है बिठाए थे। डॉक्टर आए, कुछ सुई लगाए, दवा दिए, वही 10-5 मिनट के बाद जो है वो बेहोश हो गया, पूरा बदन उठने लगा। उसके बाद वही डॉक्टर लोग ले करके जो है उसको फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।